Hi, I am Jani Ekta, Tanna English Medium School, Gondal, your sports coach. So students, how are you? What is work doing today? Yes, today workout is warm up exercise. Now the three moves will be doing today. Previous lecture में हमने standing warm up किया था ना? सबने घर पे वार्म अप किया था. वेरी गुड. टुडे हम स्लीपिंग वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे. हम अपने फर्स्ट यानी पहले वार्म अप की ओर चलते हैं. हमारे पहले वार्म अप के लिए सबसे पहले हम मैट पे लेट जाएंगे. लेटना इसलिए है क्योंकि हम स्लीपिंग वार्म अप कर रहे हैं. इसलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो क्या हम मैट पे लेट जाएंगे. दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ सीधे. पहले वार्म अप के लिए स्लीपिंग यानी कि नी टू एल्बो, हमारे नी को टच करना है. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैंडिंग नी टू एल्बो वार्म अप किया था. वही वार्म अप हम लेट के करेंगे यानी स्लीपिंग वार्म अप करेंगे. स्लीपिंग वार्म अप हम राइट एल्बो से लेफ्ट नी को टच करेंगे. राइट एल्बो से लेफ्ट नी को टच करना है. फिर ऑपोजिट भी हम राइट एल्बो से लेफ्ट नी को टच करेंगे. स्टार्टिंग में आपको स्लोली स्लोली करना है. फिर अगर हो सके तो थोड़ी स्पीड बढ़ानी है. कम से कम ये आपको 60 सेकंड यानी 1 मिनट तक कंप्लीट करना है. राइट लेफ्ट यही आपको वार्म अप करना है. रिलैक्स मूल स्थिति. कोई भी वार्म अप के बाद 10 सेकंड तक हमें हमारे बॉडी को रेस्ट देना है. ठीक है, अब हम हमारे दूसरे मूव्स की ओर चलते हैं. तो चलिए हम दूसरे मूव्स के लिए रेडी हो जाएंगे. ये भी स्लीपिंग वार्म अप है, इसके लिए हम सबसे पहले लेट जाएंगे. दोनों पैरों को मरोड़ेंगे. अब हम दूसरा वार्म अप करेंगे. राइट हैंड से राइट लेग के घुटनों को टच करना है. सबसे पहले अपने हाथों से अपने घुटने को टच करना है. इस तरह से दोनों साइड करना है. राइट लेफ्ट. ठीक है, जितना हो सके उतना करना है. अगर आप लेफ्ट साइड से शुरुआत करेंगे तो भी चलेगा, और राइट साइड से शुरुआत करेंगे तो भी चलेगा. पूरे बॉडी में आपको खिंचाव लाना है ताकि आप अपना वार्म अप ठीक से कर सके. यह आपको कम से कम 60 सेकंड यानी 1 मिनट तक कंप्लीट करना है. पहले स्लोली स्लोली, राइट लेफ्ट, स्टार्टिंग स्लोली एट गेट देन लिटल फास्ट. रिलैक्स, मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे. फिर दो वार्म अप के बीच में क्या करना है, पूरे बॉडी को 10 सेकंड तक रिलैक्स करना है, रेस्ट देना है. अब हम हमारे तीसरे मूव्स की ओर चलते हैं. तीसरे वार्म अप के लिए जैसे हमने दूसरा वार्म अप कंप्लीट किया, अभी हमने दूसरा वार्म अप यानी कि लेटे जो वार्म अप किया है वही वार्म अप करना है. ठीक है, वही मूव्स हमें तीसरे मूव्स में करना है.
सबसे पहले हम लेट जाएंगे। जैसे ही हमने हाथों से पैरों को टच किया है वैसे ही सेम लेकिन थोड़ा अलग है ये आसन, वो आपको करना है। सबसे पहले दोनों पैरों को हम मरोड़ लेंगे। जैसे हमने राइट हैंड से राइट लेग को टच किया था तो ये मूव्स में हम क्रॉस करेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। पहले हम दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार की स्थिति कर लेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे। फिर सबसे पहले राइट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट लेग को क्रॉस करेंगे, फिर ऑपोजिट साइड। वन बाय वन ये स्टेप आपको कंप्लीट करना है, स्टार्टिंग स्लोली एंड गेट द लिटल फास्ट, लेकिन जितना हो सके उतना ही करना है। अप राइट, अप लेफ्ट, अप राइट, अप लेफ्ट, कीप मूविंग ऑन 60 सेकंड्स टू कंटिन्यू योर मूव्स। रिलैक्स, मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। कोई भी वार्म अप, कोई भी एक्सरसाइज हो वो आपको बॉडी को जितना हो सके उतना ही करना है, आपके बॉडी को ज़्यादा कष्ट नहीं देना है, ये आपको खास ध्यान देना होगा। 10 सेकंड तक बॉडी को रिलैक्स करेंगे, रेस्ट देंगे। सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी है वार्म अप? हमारे आदरणीय मधु सर, प्रिंसिपल वर्मा सर और चंदू बाबू के मार्गदर्शन के अनुसार ये वार्म अप हमने आप तक पहुँचाई है। आपको अपनी रूटीन लाइफ में वार्म अप वर्कआउट करना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।